हाय ऑल सो बहुत सारे बच्चे मुझसे टेलीग्राम पे डाउट्स पूछते हैं और डाउट्स पूछने के बाद एक एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को आता है कि सर विच कंट्री हैज द मोस्ट डिफिकल्ट मैथ्स ओलंपियड एग्जामिनेशन आई वुड आंसर दिस इन वीडियो सो बच्चे एवरी कंट्री हैज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलेक्टिंग द टीम विच रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर कंट्री इन इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियड फॉर एग्जाम्पल इंडिया का प्री आर एम ओ आर एम ओ एनओ एंड देन कैंप दिस इज द प्रोसेस एंड ज्यादातर सभी कंट्रीज का यह तीन या चार स्टेजेस ही होती हैं इफ़ यू कंपेयर द लास्ट स्टेज दर्ड स्टेज फॉर एग्जाम्पल इंडिया का आई एन एम ओ है इंडियरशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड अगर हम सिर्फ इनके डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें इस इस लेवल पे जिसके बाद अल्टीमेटली कैंप स्टार्ट होते हैं या टी एस टी होता है या फिर टीम सिलेक्शन टेस्ट के ज़रिए टीम सेलेक्ट होती है वो रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर कंट्री तो आउट ऑफ ऑल दी कंट्रीज ओलंपियाड तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिन जिनके माच के ओलंपियाड्स काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी मज़ेदार होते हैं और काफ़ी ट्रिकी होते हैं और काफ़ी डिफिकल्ट भी होते हैं दीज आर चाइना माच्स ओलंपियाड यूएसए एंड रशियन मैथ्स ओलंपियाड सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द फाइनल स्टेजेस तो यू एस एम ओ चाइना मैथ्स ओलंपियाड एंड रशिया मैथ्स ओलंपियाड ये तीनों के जो मैथ्स ओलंपियाड के पेपर्स हैं बहुत अच्छे होते हैं बहुत मज़ेदार होते हैं सॉल्व uh, uh, मुझसे बहुत कम होते हैं बट uh, कुछ कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं बट अगेन वेरी गुड क्वेश्चन सो इफ यू वॉन्ट टू गेट दैक ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ मैथमैटिक्स की मैथाम है क्या जस्ट ट्राई एंड सी दीज क्वेश्चन एंड ऑल द क्वेश्चन आर ऑल ऑल दीज एग्जामिनेशन इनके क्वेश्चन इन ए पी एस जो कि सब लोगों को पता ही है जस्ट जस्ट ट्राई एंड गेट द फील ऑफ द क्वेश्चन की क्वेश्चन होता क्या है कितना मज़ेदार होता है सो अपार्ट फ्रॉम इंडिया इनमो उसका भी काफी अच्छा होता है सो दीज थ्री कंट्रीज चाइना यूएसए एंड रशिया एंड इन तीनों में से भी सबसे ऊपर आई वुड से चाइना China. and and it is understandably so because uh, a country of almost 1.4 billion population जिसमें अंदर बहुत ज्यादा awareness है unlike India uh, China में बहुत ज्यादा awareness है and a lot of people actually compete to get uh, selected in in uh, the Chinese team and um, तो obviously उनको बहुत अच्छे level का paper बनाना पड़ता है and वो paper actually में uh, कई लोगों का ये भी मानना है कि IMO से भी ज्यादा difficult होता है so yes so that answers my question Happy learning.